नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, क्या होता है सॉफ्टवेयर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये आप अगर आपको ये पसंद आता है, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए अनटचेबल और इनटेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह पार्ट जो इसे आप टच नहीं कर सकते हो, ओके, तो उसे सॉफ्टवेयर बोला जा सकता है। हार्डवेयर तो आप टच कर लेते हो, हार्डवेयर हुआ जो भी, ओके, तो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, एक प्रोग्राम रहता है, सीधी बात है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामों का सेट होता है। एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रोग्रामों सेट होता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, परफॉर्म रिलेटेड टास्क, जो कि एक रिलेटेड टास्क से परफॉर्म करते हैं। अब इसमें बात करते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर याद रखना है आपको। जैसे कि बात करें, ये हार्ड ड्राइव हार्डवेयर है, जैसे कि डिस्क, सीपीयू, ओके, तो ये हार्ड ड्राइव है। फिर उसके बाद उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अगर किसी भी कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। बाकी जो रहते हैं, गेम हुए, एक्सेल हुए, ये क्या रहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। फायरबॉक्स, जो भी क्रोम हुए, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। अगली बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूट एंड डेवलप ऑफ अदर प्रोग्राम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे जो भी अदर प्रोग्राम रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करके, इसमें इंस्टॉल करके ना ही वो उसको क्रिया करते हैं या सपोर्ट करते हैं उनको। दीज आर कंपल्सरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर, तो ये जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंपल्सरी होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ओके। विदाउट विच कैन नॉट बी वर्क, इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, यानी किसी सिस्टम में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, तो ये कंपल्सरी होते हैं। अगली बात करते हैं अब इनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू यूजर टास्क फॉर ए कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर के द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात करें तो एडोब फोटोशॉप हुए, मीडिया प्लेयर हुए, वेब ब्राउजर हुए, एडोब रीडर हुए, वर्ड प्रोसेसर हुए, स्प्रेडशीट हुई, तो ये सब एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस हुआ, ये सब एक्सेल, तो ये सब जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगली बात करते हैं हम इनका यूटिलाइज क्या रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्मॉल या यूजफुल प्रोग्राम, स्मॉल एंड यूजफुल प्रोग्राम भी सपोर्ट ऑल डिवाइस कॉल्ड यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, जो कि ऑल्ड सारे डिवाइसों को सपोर्ट करते हैं उन्हें, ओके, उन्हें यूटिलाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम के लिए यूजफुल होते हैं, ओके। जैसे कि बात करें डिवाइस ड्राइवर, तो किसी भी सिस्टम में जब तक ड्राइवर्स नहीं होंगे ना, तो कुछ ऐसी की होती हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वर्क नहीं करते, ओके। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हुआ, एंटीवायरस हुआ, ओके, तो ये तरह के ये यूटिलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच एक्ट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है? यूजर, ये यूजर है, ओके, अब ये हार्डवेयर है, तो इनके बीच जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कराता है, इंटरफेस कराता है, एक दूसरे के में कम्युनिकेशन कराता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी रहती है, इसके बिना उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, इसके बिना सॉरी इसके आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जैसे विंडो हुआ, मैकइंटॉश हुआ, लिनक्स यूनिक्स, एंड्रॉयड, तो ये तरह एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम, ओके। अगले बात करते हैं अब विंडो की बात करें तो विंडो जो है ना वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है विंडो जो है, ओके, जिसमें कि इनबिल्ट ब्राउजर होता है। इनबिल्ट ब्राउजर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ब्राउजर इनबिल्ट रहता है, तो ये आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करोगे, चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या कुछ भी हो, तो उसे इंस्टॉल करोगे तो ये जो है ना उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें इनबिल्ट रहता है,
फर्स्ट वर्जन की बात करें तो विंडो 1.0 था और लेटेस्ट वर्जन तो विंडो 10 चल रहा है। ओके तो ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर यूज इन विंडो 10 में। अब बात करते हैं मैक, जो मैक एप्पल की बात करते हैं। ओके तो ये जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एप्पल द्वारा ये बनाया गया है। इसका फर्स्ट वर्जन की बात करें 1.0 था और लेटेस्ट वर्जन 10.10 यूसुक माइट। ओके तो जो कि इसमें क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है सफारी जो रहता है ब्राउजर, वो इनबिल्ट रहता है विंडो में इंटरनल एक्सप्लोरर और एमटेक इंटोस में मैक इंटोस में सफारी। ओके तो ये तरह का इसमें आप देख सकते हो ये डिफरेंट वर्जन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके अब बात करते हैं लिनक्स की बात करें तो ये जो है ना वो डेवलप्ड लिनक्स टॉरवाल्ड हैज डेवलप्ड, तो इसको है ना लिनक्स टॉरवाल्ड ने इसे डेवलप किया था और इसका नाम दे दिया था ये। ओके इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी, ये किसी भी कंपनी से एसोसिएट नहीं रखता है और ये ओपन सोर्स रहता है। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके नहीं ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। इसका फर्स्ट वर्जन की बात करें 1.0 था और उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल हैं उबंटू, फेडोरा, ओके हेटरेड, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगली बात करते हैं यूनिक्स जो रहता है ना, यूनिक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो ये यूनिक्स, ओके एक्स लगा दिया यहाँ पर ये अनफ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम रहता है, ये जो कि जो सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है यूनिक्स। ये यूनिक्स जो है ना मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और जिसमें जो कि सेल्स रहते हैं, सेल्स प्रोग्रामिंग कंटेंट्स रहती है इसमें यूनिक्स में। अगली बात करते हैं एंड्रॉयड आप देखे होंगे मोबाइल्स पे रहते हैं, वो एंड्रॉयड से रहते हैं, इसे एसोसिएट विद द गूगल कॉपरेशन, तो जो गूगल कॉपरेशन है ना इससे एसोसिएट रखता है। इसका फर्स्ट वर्जन की बात करें जो आया था अल्फा 1.0 और लेटेस्ट वर्जन जो है मार्शलॉफ 6.0। ओके बाकी जो डिफरेंट वर्जन आप देख सकते हैं इसमें किटकैट, लॉलीपॉप, ये सब इसके वर्जन है। अगली बात करते हैं आप सिस्टम कितने क्या रहता है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सिंगल यूजर में क्या रहता है कि सिंगल पर्सन यूजिंग कंप्यूटिंग एट द टाइम, यानी एक पर्सन एक ही टाइम पे वर्क कर सकता है, यूज कर सकता है, जैसे एमएडॉस हुआ, विंडो हुआ, तो इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आप ये भी याद रखना कि क्वेश्चन पूछ लिया था, ऑप्शन दे देते हैं तो इसमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एमएडॉस हुआ, विंडोज हुआ, ईटीसी हुआ, तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर की बात करें तो यूनिक्स लिनक्स ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे एक से ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम स्लाइस अप होता है द मेन फ्रेम्स रिसोर्सेज एंड डिवाइडेड इट आउट ऑफ द डिफरेंट यूजर। ओके तो ये आपको याद रखना है, जो एक से ज़्यादा लॉट ऑफ पीपल एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें मेन फ्रेम जो रहता है ना उसकी वजह से ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑप्शन जैसे कि बात करें नेटवर्क से रिलेटेड रहता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जिसमें एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन ए सर्वर, तो सर्वर से डिजाइन होता है। ओके डिजाइन फॉर इज जो सर्वर के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि विंडो नेट, ओके विंडो सर्वर्स 2000, सर्वर 2003, 2030, तो ये सब है ना वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। ओके अगली बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि जो मींस रन मोर दैट देन वन प्रोग्राम एट ए वंस, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो रन करते हैं ना एक प्रोग्राम है, तो उसे मल्टी टास्किंग बोलते हैं। जैसे कि दिस इज कॉमनली डन व्हेन द कॉपी ए पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट एंड पेस्टिंग इट इनटू द डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे आप कम जो डाउनलोड करते हो नेट से एक कॉपी पिक्चर की और उसको पेस्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स, इन दिस केस द टू प्रोग्राम रनिंग फ्रॉम द ब्राउजर, तो दो प्रोग्राम वर्क करते हैं, जैसे आपका ब्राउजर भी खुला है। अब बात करें जैसे कि एमएस एक्सेल खुला है और मीडिया प्लेयर भी चल रहा है, ओके तो ये मल्टी टास्क हो रहे हैं दो तरह की बात करें तो। ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मैनेज दिस प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है, जैसे कि विंडो एक्सपी हुआ, विंडो विस्टा हुआ, तो इसके एग्जाम्पल है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैं बता चुका हूँ एक ही टाइम पे एक ही वर्क करता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आज टू कंट्रोल द मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम और ओके तो मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप एक रेलवे स्टेशन पे हो और दूसरा कोई
एक भोपाल में और एक इंदौर में। ओके, तो अब कोई टिकट कटा रहा है दोनों का, तो एक टाइम पे ही कटाता है, लेकिन आप नंबर देखें ना, उनके अलग अलग रहते हैं हमेशा, जितने भी टिकट रहते हैं ना उनके सब अलग अलग नंबर्स रहते हैं, एक दूसरे के मैच नहीं करते, तो उसे बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का देखा जाए, जो कि इंडस्ट्रीज हुए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हुए, जो बड़ी बड़ी रहती है ना उनमें इसका यूज करते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए RTOs, ओके, इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड इन प्रीवियसली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, एवरी टाइम इज इट सकॉल विंडो एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। ओके, तो ये जो रहता है विंडो CE, इसे बोलते हैं इस तरीके से। ओके, अगली बात करते हैं हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दो सॉफ्टवेयर विच आर बींग यूज वेडली फ्रॉम फॉर इंडिविजुअल यूजर टू बिग ऑपरेशन इज यूजिंग द सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस हुआ, एडोब फोटोशॉप हुआ, टैली हुआ। तो ये हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का लाल बटन होगा और एक घंटी का निशान बना होगा, बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।